आपको आम खबर से आगाह करते चलें, अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। यह आपको बताते चलें, आईएसपीआर के मुताबिक अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। यह आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, आईएसपीआर के मुताबिक अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। हमारे से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इश्तियाक गोंदल से। जी इश्तियाक गोंदल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला वारान के इलाके मशकी में इंटेलिजेंस बेस्ड यानी खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशन किया और आईएसपीआर की तरफ से बताया गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 दहशत गर्द हलाक हो गए और दहशत गर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया और इसके साथ साथ असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया है और इस वक्त इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशत गर्दों को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और इसके साथ साथ पाक फौज के तर्जमान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि रवां साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से मुल्क भर में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और दहशत गर्दों के खिलाफ ये जो सिलसिला जारी है और ये मजीद भी जारी रहेगा ताकि पाकिस्तान को दहशत गर्दों के जो नापाक अजायम है उससे महफूज बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक गोंदल तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का अवारान के इलाके मशकई में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से असले और गोला बारूद की बड़ी तादाद बरामद।